आई गेस सो ये सब जो हो रहा है बहुत टाइम बाद हो रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है ये सब देख के कि फिर से एक बार इतने सारे लोग और आप सब इंटरव्यू ले रहे हैं, इस तरीके से इतने कैमरे हैं, द ग्रैंड फीलिंग दैट वी फील, इट्स रियली अमेजिंग एंड आई गेस वी आर हैप्पी एंड इट्स अ वेरी बिग बिग अवार्ड शो एंड वी आर हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ शायद एक्सपेक्ट करके आना सही बात है नहीं, तो हम कुछ एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे, बट यस वन थिंग इज फॉर श्योर कि लाइक मैं हम दोनों के बिहाफ पे ये चीज़ कह सकता हूँ, आई एम श्योर इवन शी एग्रीज टू दिस, कि हमारे फैंस ने जितना प्यार हमें दिया है इस अवार्ड शो के टाइम पे, जो वोटिंग उन्होंने की है वो देख के हमें ऑलरेडी वी फील एज अ विनर, कि इतना प्यार हमको हमारे फैंस कर रहे हैं, दैट्स अ रियली रियली बिग थिंग, बिकॉज वी हैव बीन थ्रू अ लॉट इन दीज थ्री इयर्स, इट हैज नॉट बीन ईजी ऑलवेज, बट दिस सपोर्ट एंड लव इट ऑलवेज गिव्स अस बैक, दे लव अस इन दिस वे कि अगर जीत जाते हैं तो और खुशी होगी, नहीं भी जीत जाए तो वो प्यार ही हमारे लिए। अब कुछ कहना चाहूँगा नहीं, अग्रेट वी फील रियली ब्लेस्ड, इतना ओवरवेलमिंग फील होता है, इतना प्यार देख के नॉमिनेशन है वो उससे कहीं ज़्यादा खुशी है कि लोग किस तरह से उसे लाइक सपोर्ट कर रहे हैं, सारे फैंस उन सबको बहुत ग्रेटफुल हैं। इन आवर शो आई थिंक द होल जर्नी हैज बीन सो ब्यूटिफुल कि उसमें से चूज करना बहुत मुश्किल है हमारे लिए, बिकॉज एवरी सीन वी परफॉर्म इज वेरी डियर टू अस एंड वी have worked so hard, so injustice होगा अगर एक particular scene को करेंगे, but still हमेशा जैसे हम भी बोलते हैं, आप भी बोलते हो कि हमारा जो पहला scene था राधा कृष्ण की पहली meeting थी, that's one of the precious. अच्छा आप दोनों से जानना चाहेंगे, जल्दी नहीं बहुत अच्छा लग रहा है एंड इट्स क्वाइट डिफरेंट कि सेम शो पे दो कृष्ण भगवान के शोज हैं, राधा कृष्ण के शोज हैं, और वो थोड़ा डिफरेंट है ये जो शो आ रहा है एंड वी आर एक्साइटेड कि ये कैसे होगा, क्योंकि वो सब नई प्रिपरेशन जैसे होती है ना, जैसे हमारे राधा कृष्ण के टाइम पर प्रिपरेशन शुरू हुई थी और हमने भी प्रिपेयर किया था, वो प्रिपरेशन हम सेट पर देख रहे हैं ऐसे ही हमारे जैसे ही शो के लिए, तो इट्स वेरी डिफरेंट एंड वी एक्साइटेड, लेट्स सी, मुझे लगता है कि सबको अच्छा लगेगा। आप नन्हे कृष्णा से मिले, बचपना दिखाने, मुझे पता भी नहीं कि कौन कास्ट हुआ है, बट मुझे पता है शी इज एक्चुअली अ गर्ल, क्या बात कर रहे हैं, या दैट्स ऑल आई हैव टोल्ड, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट मुझे इतनी लंबी स्क्रिप्ट आ जाती है, मैं उसके आगे कुछ सोच ही नहीं पाता। अभी रिसेंटली जो कृष्णा का नया अवतार हमने देखा है नारायण के अवतार में, उसके बारे में क्या कुछ रिसेंट ट्रैक को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? इट्स मैं एज एन एक्टर कहना चाहूँगा, जो मैं पर्सनली अपने अंदर फील करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये कैरेक्टर मैं करता हूँ, इन शॉर्ट इट्स जस्ट आई एम जस्ट ग्रेटफुल, 3 साल में करता गया हूँ बट ऐसा कभी नहीं लगा कि ये कैरेक्टर मैं कर करके थक गया हूँ, द कैरेक्टर इज सो ब्यूटिफुल कि एवरी डे मुझे लगता है कि मेरे अंदर ही कुछ चेंजेस हो रहे हैं, कभी बुरे चेंजेस होते हैं जो सुधारने के लिए कुछ आ जाता है, स्पेशली कृष्ण ज्ञान जब मैं करता हूँ तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैं अपनी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम में मेंटली होता हूँ और वो 5-6 कृष्ण ज्ञान हम शूट करते हैं और वो कृष्ण ज्ञान सुन के मैं मोटिवेट हो जाता हूँ, तो मुझे भी बहुत हेल्प करता है, बहुत ही अमेजिंग लग रहा है लुक और हमेशा की तरह, एंड कांग्रेचुलेशंस एंड ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू।